महाराष्ट्र में बीजेपी दो बड़े विपक्षी दलों को अपने पाले में शामिल कर चुकी है। शिवसेना के बाद अब अजीत पवार समेत 30 से ज्यादा विधायक बीजेपी के साथ सरकार में हैं। इस बीच महाराष्ट्र बीजेपी की बैठक बुलाई गई, जिसमें आने वाले चुनाव पर चर्चा हुई है। बीजेपी की इस बैठक में कुछ पोस्टर्स ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। पहला पोस्टर 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर था, जिसमें बीजेपी ने 152 से ज़्यादा सीटों जीतने का दावा किया है। वहीं दूसरी पोस्टर में पार्टी से नारा चल रही पंकजा मुंडे की तस्वीर नजर आई। महाराष्ट्र बीजेपी बैठक में देवेंद्र फडणवीस का एक बड़ा पोस्टर नजर आया, जिसमें 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव में 152 अधिक सीटों का दावा किया गया है। वही इस पोस्टर में पिछले चुनाव में मिलने वाली सीटों का भी जिक्र है। पोस्टर में देखा जा सकता है कि 152 से अधिक आंकड़े की तरफ देवेंद्र फडणवीस का इशारा करते दिख रहे हैं। अब बीजेपी ने खुद के लिए 152 से ज़्यादा सीटों का लक्ष्य तो रखा दिया है, लेकिन अब इसे लेकर एक नई बहस शुरू हो सकती है। महाराष्ट्र में कुल 288 विधानसभा सीटें हैं। ऐसे में अगर अकेले 152 सीटों पर बीजेपी दावा कर रही है, तो सवाल है कि अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के गुट को कितनी सीटें मिल पाएंगी। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर अभी से सुगबुगावट तेज हो चुकी है। अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के बीच सीट शेयरिंग को लेकर नया विवाद भी खड़ा हो सकता है। गंजेपन एक समस्या। क्या आप गंजेपन से छुटकारा पाना चाहते हो? तो आइए साई नेचुरल ब्यूटी केयर। गंजेपन से छुटकारा केवल 1.5 से 2 घंटे में। विदेश की टेक्नोलॉजी अब भारत में। अमेरिकन नॉन सर्जिकल हेयर रिप्लेसमेंट सेंटर। कंप्लीट हेयर वॉशेबल, हेयर वीविंग, बॉन्डिंग, टैटू एंड पियर्सिंग सेंटर। परमानेंट एंड टेम्पररी टैटू। साई नेचुरल ब्यूटी केयर। मिस्टर विनोद जमदाडे 9552333129 एंड 9226210293। आवर ब्रांच शॉप नंबर 114 सदोदय प्लाजा नियर पोदरेश्वर राम मंदिर सीए रोड नागपुर एंड हरि अर्चना कॉम्प्लेक्स ब्लॉक नंबर 49 ऊटखाना रोड मेडिकल स्क्वायर नागपुर।